मैंने सैंडविच फिल्म में काम किया है, यस उनके साथ में मैंने सैंडविच फिल्म में काम किया है, उनको तहे दिल से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सैंडविच तो वो रोज खाते होंगे, मेरे ख्याल से ब्राउन सैंडविच जरूर खाते होंगे। हमारे और उनके बीच की बातें स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जब सेट पे काम करते थे तो बहुत इंजॉय करते थे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने मेरा मर्डर किया था सैंडविच फिल्म में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जल्दी रिलीज होने वाली है, आप देख सकते हैं। गोविंदा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब चंद कंप्लीट एक्टर्स में से एक मैं गोविंदा को मानता हूँ, और मैं उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ईश्वर भगवान अल्लाह उनको बहुत लंबी और बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी दे, और आपको हम हमेशा देखते रहें और आप हमें एंटरटेन करते रहें। लव यू। हरे कृष्णा 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 बोल। जी हाँ, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और ये गाने से तो आपने पहचान ही लिया होगा मुझे कि ये मेरी फिल्म अनाड़ी नंबर वन का गाना है, और चीचे भैया यानी हम सबके लाडले चहीते गोविंदा जी का बर्थडे है, और सभी लोगों ने अपनी तरफ से दुआएं दी है, तो मैं उनका जो मेरी पहली फिल्म में उन्होंने काम किया था जुल्म की हुकूमत में, उस गाने के कुछ बोल से मैं उनको दुआएं दूंगा। कठमंडू कठमंडू से भी, दुनिया वालों से भी, कि दिलीप सेन समीर सेन की सक्सेस में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है, दुआएँ हैं, तो वो हमारे हिंदुस्तान के बेजोड़ कलाकार यानी गोविंदा जी का जन्मदिन आज है, तो शुभकामनाएं। और चिची भैया आई लव यू, और आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ है, और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। न्यू कपल को क्या